हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिम ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल लेके आया हूँ। ये वीडियो है HP TET नवंबर 2019 का, जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आज लैंग्वेज टीचर का हिंदी का भाग दो। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन जो थे हिंदी सेक्शन के सॉल्व कर लिए थे। तो आज जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये है 71 से लेकर 120 तक, जो रिमेनिंग हिंदी का भाग बच गए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं खास आकर सभी स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर लेके आया हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसका 70 से लेकर 120 तक भी आप आंसर की बनाइए, तो ये आंसर की आपके साथ मैं डिस्कस अभी करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, संस्कृति के चार उपाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, 56 तोले का करधन कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, ये हुई थी 3 जनवरी 1972 को। तो राइट ऑप्शन इज ए। तो अगला प्रश्न है, हामिद मेले से दादी के लिए क्या लेकर आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिमटा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का जो असली अर्थ है दोस्तों, ये है महान, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, धनानंद की प्रेमिका कौन थी? तो इसका सही आंसर जो जगह 76 का, ये था सुजान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के क्रांतिकारी जीवन से जुड़ा उनका उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु ने खुसरो की तरह कौन सी कविताएं लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकरियम। अगला प्रश्न है, मैथिली गुप्त शरण ने किस भाषा में कविता की? तो इसका जो सही आंसर है 79 का, ये हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तारा कविता पंत जी के किस संग्रह से है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गुंजन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निराला की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1961। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, तो इनको जो है आपने मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची इसको इन सूचियों सूची वन को जो है सूची दो से जो है मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कौमुआ कहानी का लेखक कौन है? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है शिमला में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा ने इतिहास में MA की उपाधि कहाँ से ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ए, सेंट स्टीफन कॉलेज, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी का लेखक कौन है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास की लेखिका सॉरी नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालपा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। पंचम वेद जो है ये बोला जाता है पुराणों को, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको एक बार आपने जो है टैली इसको क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लें। तो अगला प्रश्न है, संकलन त्रयों में किन तीन चीज़ों को एक साथ रखा जाता है? तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंधों का रंगमंच किसे कहा गया? तो अंधों का रंगमंच जो है रेडियो नाटक को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 94 कामदी का मूल भाव क्या है? तो कामदी का मूल भाव जो है ये है हास्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक नट लोगों की कला का नाम है किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नंद और सुंदरी कौन से नाटक के पात्र हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी। लहरों के राजहंस नाटिका के रचयिता कौन हैं? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश।
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है भारत में, नागपुर में, ऑप्शन ए जो है सही आंसर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया है आपका अवधी भाषा में, ऑप्शन डी। नगरी प्रचारिणा सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1893 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गेहूं का तत्सम रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा गोधूम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, युक्ति का तद्भव शब्द क्या है? तो युक्ति का जो जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा आपका जुगति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाबार किसका पर्यायवाची है? तो ये है प्रतिमा, ऑप्शन सी। खंडन का विलोम शब्द है, तो खंडन का क्या हो जाएगा दोस्तों? खंडन का हो जाएगा मंडन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तुरंग तुरंग शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लहर घोड़ा। नेक्स्ट है, मांस न खाने वाला वाक्यांश का सही विकल्प क्या है? तो इसको बोलेंगे शाकाहारी, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रत्यय होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 108 का, वो हो जाएगा प्राण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपाध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घुड़सवार में कौन सा समास है? तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दो। अगला प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। तो इसमें हरे भरे लहराते खेत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मेरे हृदय में उनके एक चित्र की एक स्मृति। तो यहाँ आएगा चित्र की क्या आ जाएगा? स्मृति। तो इसको जो है आपने एक बार चेक भी कर लेना है। अगला प्रश्न है, पत्थर पर छींचना का सही अर्थ है निर्दयी को भी दयाना, ऑप्शन डी। अगला है, ढोलरू लोक गाथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक आर्य भाषा का नाम क्या है? तो वो है पहाड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टांकरी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनेता लेखक भी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांता कुमार। तो दोस्तों ये थे एचपी टेट एलटी के हिंदी का पार्ट, जो कि रह गया था 71 से लेकर आपका 120 तक। तो ये सारा ही कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं इससे आंसर कई के साथ जो है टैली कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने अनऑफिशियल आंसर की बनाई हुई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।